छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराधों को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयान जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बहरहाल हो चुकी है, महिलाएं व्यापारी कोई भी सुरक्षित नहीं है, सबके अंदर डर बैठा है कि अब क्या घटना हो जाए, कहां से गोलीबाजी हो जाए, लूटपाट चालू हो जाए। तो दूसरी तरफ भाजपा की मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण पिछले सरकार का 5 साल का कार्यकाल है। देखा जा रहा है कि नशा सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते युवा अपराध कर रहे हैं। इसके अलावा आपराधिक घटनाओं में एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस के लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। पिछली सरकार में जिस तरीके से युवाओं तक नशा फैला गया उसी के चलते आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी, और कोई भी अपराधी पिछले 10 महीने में पैदा नहीं हुआ है। साथ ही भाजपा की मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि भाजपा अपराध को रोकने के लिए किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रही है, सभी बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अगर एसपी के ट्रांसफर तक आ रही है तो उसे भी किया जा रहा है, और किसी नेता के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मिल रहे हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, आम आदमी को सुरक्षित जीवन जीने का वातावरण देने में यह सरकार विफल साबित हो चुकी है। अब महिलाएं अपने कार्यस्थल से अपने घर जाने में बहुत ज़्यादा डर रही हैं, व्यापारी व्यवसाय करने में डर रहे हैं, उनका उनका काम करने वाले जो उनके कर्मचारी हैं वो पैसों का इधर उधर ट्रांसफर करने में डरने लगे हैं, कब किसको गोली मार दी जाए, कब किसको चाकू मार दी जाए। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा गुटबाजी चल रही है, बहुत सारे नेता राजस्व में नजर नहीं आए। ओपी चौधरी जो सुपर सीएम माने जाते हैं उनको राजस्व से दूर रखा गया क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की छवि को दबाने का काम ओपी चौधरी जी कर रहे हैं अपने कार्यप्रणाली से। इसके उपराष्ट्रपति जो भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से ही आते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर चिंता व्यक्त की। पिछले 1 साल से लगभग 11 महीने हो गया छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और लगभग 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद भी ये छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके उपराष्ट्रपति चिंतित हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और देश की केंद्र सरकार के लिए डूब मरने वाली बात। इसके दो मुख्य कारण नजर आते हैं। एक तो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा उसमें छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बना, हम ये कहते आए। जो पुलिस थी उसके अधिकार छीन लिए थे भूपेश बघेल जी की सरकार ने, और युवा नशे की गिरफ्त में कैसे आए, जुआ सट्टा कैसे खेले, इसके लिए बकायदा इन्होंने एक व्यवस्था बना के रखी थी, गली गली तक गांजे को पहुंचाया, युवाओं को नशे की लत लगा दी। 5 साल में छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ जो हुआ कहीं ना कहीं उसका असर अब भी दिख रहा है, क्योंकि जितने अपराध हो रहे हैं उसमें नशे की भी एक बात सामने आती है, और ये कोई 10 महीने में नए अपराधी पैदा होगा ऐसा विषय नहीं। कहीं नहीं कहीं पिछली सरकार ने जो अपराधियों का संरक्षण किया, युवाओं को नशे की गिरफ्त में डाला, उसका भी एक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द ठीक कर लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसी कार्रवाइयां करने में कोई संकोच नहीं किया है जो अब तक कांग्रेस नहीं करती थी। पूरा थाना का थाना लाइन अटैच हुआ है, अगर कहीं एसपी को हटाने की बात आई है तो उसमें कोई देर नहीं की गई है, कलेक्टर को हटाने की बात आई है तो देर नहीं की है, और यहाँ तक कि भी अगर कोई नेता राजनीतिक व्यक्ति भी अगर किसी अपराध में लिप्त है, जैसे बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई, जो कलेक्टर एसपी ऑफिस को जलाया गया, उसमें अगर देवेंद्र यादव पर भी अगर आरोप लगे और साक्ष्य मिले तो उसको भी जेल में डालने से बीजेपी ने कोई संकोच नहीं किया, क्योंकि विष्णुदेव साय की सरकार सुशासन में भरोसा रखती है, और कोई भी व्यक्ति यहाँ अपराध करेगा उसे जेल की सलाखों में भेजा जाएगा, और कांग्रेस का हर अपराध के साथ कनेक्शन सामने आता है। जो फायरिंग की आपने बात की उसके भी जो आरोपी हैं उसके फोटो एजाज देवर जी के साथ वायरल हुए, अभी कल परसों ही कांग्रेस के एक पार्षद ने एक व्यक्ति की हत्या की है, ऐसा कभी नहीं देखा गया। जनप्रतिनिधि को जनता चुनती है सेवा के लिए, लेकिन कांग्रेस के पार्षद हत्या कर रहे हैं। एनएसयूआई के जितने लोग हैं उसमें बिलासपुर के शेरू असलम हैं, उनके वहां के जिला अध्यक्ष वो किसानों की जमीन हड़प रहे हैं,
सूरजपुर के जिला अध्यक्ष ने एक 11 साल की बच्ची और एक महिला की हत्या बेरहमी से कर दी। दामाखेड़ा में जो श्री प्रकाश मुनि साहब के ऊपर या उनके जो स्थल है उनके ऊपर हमला हुआ तो उसमें भी कांग्रेस का हाथ था, उन्होंने फेसबुक पोस्ट करके बताया। तो हर हर प्रमाण जनता के सामने है जिसमें यही बात सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में जो भी अपराध हो रहे हैं उसमें कांग्रेस ही लिप्त है। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।